हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ आकाश। लर्न अकाउंटिंग सिंपली की सीरीज़ में मैं ऑलरेडी दो वीडियो आपको दे चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के बेसिक्स, एंड दूसरी वीडियो थी जनरल एंट्रीज़ की, जिसमें हमने 11 जनरल एंट्रीज़ कवर करी थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है जाके वो देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। एंड इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 10 और इम्पॉर्टेंट जनरल एंट्रीज़। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी एडवांस लर्निंग्स आपको मिलेगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अमित ने गुड्स बेचे मैक्स हाइपर प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि गौर मॉल का है, 1,20,000 रुपये से ऑन क्रेडिट उधार में, और बिल नंबर भी गिवन है। तो पहला खाता जो आएगा वो आएगा मैक्स हाइपर। दूसरा खाता कौन सा आएगा, देखिए, आपने पहले गुड्स परचेज करे थे, अब आप उन गुड्स को सेल कर रहे हो, क्योंकि आपका रिटेल का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये क्या है, असेट है, लाइबिलिटी, इनकम है, एक्सपेंस है। अगर आप इसको गुड्स बेच रहे उधार में, तो आप इससे भविष्य में पैसा रिसीव करोगे, ठीक है। तो असेट क्या होती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो ये असेट होगी। क्यों, क्योंकि इससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। और सेल्स क्या हमारे लिए, सेल्स सर हमारे लिए इनकम है। असेट बढ़ रहा है घट रहा है, सर असेट तो बढ़ रहा है, तो डेबिट करिए, कुछ भी नहीं है। देखिए जनरल एंट्री करना कितना आसान है। सेल्स क्या है, क्रेडिट लीजिए, हो गई एंट्री पास। कभी भी अगर आप उधार में माल बेचोगे, तो आपको डेटर का खाता डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूँ। अमित ने फिर गुड्स बेचे आपका सुपरमार्केट को, फटाफट से इसकी एंट्री पास करते हैं। आपका सुपरमार्केट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और सेल्स यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सुपरमार्केट को आपको क्या कर देना है, असेट बोलना है। यहाँ सेल्स को आपको क्या बोलना है, इनकम बोलना है। जितना आप बॉक्सेस को फिल करेंगे मेरे साथ, उतना आपको समझ में आएगा। इस फाइल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, आप इसको डाउनलोड कर लेना और करते रहना मेरे साथ। प्लस डेबिट, और यहाँ पे प्लस क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट बोल रहे, सिंपली डन। ये एंट्री पास। नेक्स्ट, अमित ने रिसीव करा चेक 50,000 रुपये का, चेक नंबर भी गिवन है, मैक्स हाइपर प्राइवेट लिमिटेड से किया। क्योंकि चेक रिसीव करा, तो चेक अकाउंट कभी नहीं लिखते हैं। चेक एक्चुअली में एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू हमें सहूलियत होती है अपनी पार्टी को पे करने में या फिर उनसे रिसीव करने में। तो अमित ने हमें चेक दिया, तो हम जाके इसको बैंक पर ले जाएंगे, तो हमारा अल्टीमेटली बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना। अब हम यहाँ पर बैंक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर BOB लिखेंगे, क्योंकि हमारा बैंक का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। अगर आपने यहाँ पे बैंक लिख दिया गलती से, जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो आपने क्या गलती कर दी, आपने दो बैंक बना दिए, और एक्चुअली में बैंक एक ही है। शुरुआत में आप क्या लेके चल रहे थे, बैंक का खाता ही तो लेके चल रहे थे, BOB, तो आप यहाँ पे भी तो BOB ही लेके चलेंगे ना डियर। और दूसरा खाता मैक्स हाइपर प्राइवेट लिमिटेड गौर बॉल, तो इसी नाम से आपको क्रेडिट करना है। ये हमारे लिए असेट है, ये भी हमारे लिए असेट है। ये बढ़ रहा है घट रहा है, सर ये तो बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है ना, डेबिट होगा ये तो फिर। और ये बढ़ रहा है घट रहा है, सर असेट घट गई वाली, क्योंकि पैसा तो हमें इससे मिल चुका है, तो किस बात का डेटर है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हम 50,000 रुपये लिख देंगे, और साथ के साथ अगर आप एंट्री कर रहे हैं मेरे साथ, तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। हम इतने गुड्स बेचे कैश में 2,500 रुपये के, बहुत ही सिंपल है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम बिज़नेस में कुछ गुड्स कैश में भी बेच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई हमें रिटेलर मिल जाए हमारे आसपास, उसने पैसा भी दे दिया, तो ऐसी सेल्स को हम कैश में जनरली रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश डेबिट कर देंगे हम यहाँ पर, सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। कैश क्या है, हमारे असेट है, ये हमें ज़रूर फिल करना है। देखो इसको फिल करके भी क्या होगा, अगर आप असेट फिल कर रहे हो और यहाँ पर आप ऐसे इनकम फिल कर रहे हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली आप अपने दिमाग में एक प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो कि ये असेट है। और आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि कैश हमेशा बैलेंस शीट में आता है, क्योंकि बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटीज आएंगे, और P&L अकाउंट में क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस। बढ़ते हैं आगे। आपका सुपरमार्केट बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली एबल टू पे 40,000 रुपये, और 40,000 रुपये ही वो दे सकता है। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका सुपरमार्केट से आपको मिलने कितने थे। चलते हैं उसकी एंट्री में। आपका सुपरमार्केट को आपने सेल करा था 50,000 रुपये का माल। आपको ये ग्रीन वाले सेल्स में अमाउंट ज़रूर लिखनी है, हमने उसको 50,000 रुपये का माल बेचा है, और वो 50,000 रुपये में से केवल कितना दे पा रहा है, ओनली एंड ओनली 40,000 रुपीज़। तो पहले तो हम उसका खाता लिखेंगे जी, यहाँ पे उसका खाता हमें ख़त्म करना है ना, इंस्टॉलमेंट हो गया वो तो हम यहाँ पर आपका सुपर मार्केट को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, सॉरी इधर, ठीक है। फिर दूसरा खाता हमें कौन सा लिखना है, देखिए दूसरा खाता आप यहाँ पर लिखिए कैश लिख सकते हो, बैंक पे लिख सकते हो। ऐसा माना जाता है कि 10,000 से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में बैंक लिखना है, तो यहाँ पर चलिए हम BOB ही लिख देते हैं, बैंक। और लास्ट जो हमारा अकाउंट होगा वो होगा बैड डेब्ट्स, क्योंकि बैड डेब्ट शो करता है इंसॉल्वेंसी को। जो भी ऐसा एंट्री में अफेक्टेड होंगे वो सारे खाते हमने लिख दिए। BOB हमारा असेट है, बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है, ना वो एक्सपेंस है, ना वो इनकम है, ना वो असेट है, ना वो लाइबिलिटी है। तो सर वो है क्या, वो लॉस है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे लिए लॉस होते हैं। अब आप
आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा क्योंकि 40,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं, तो प्लस कर दीजिए। जैसे असेट बढ़ती है तो प्लस होता है, और प्लस को हम डेबिट कहते हैं। लॉस आपका हो रहा है, जैसे एक्सपेंस डेबिट होता है वैसे लॉस भी हमेशा डेबिट होते हैं, और आपका सुपरमार्केट का बैलेंस यहाँ पर कम हो रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे। असेट हमेशा क्रेडिट होती है अगर वो घट रही होती है। लीजिए अभी एंट्री हमारी पास हो गई है, बहुत ही सिंपल एंट्री थी, और यहाँ पर आप अमाउंट लिख सकते हैं 40,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे, 10,000 रुपये के हमारे बैड डेब्ट्स हैं, और यहाँ पर आपका सुपरमार्केट आपका 50,000 रुपये का ख़त्म हो जाएगा। ये खाता आपका पूरा क्लोज़ हो चुका है। 16 एंट्री ख़त्म, कुछ ही एंट्री बाकी हैं, फटाफट से ख़त्म करते हैं। अब क्या हुआ, 10 जून 2019 को हमने गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 रुपये लॉस्ट बाय फायर, हमारे कुछ गुड्स थे उनका नुकसान हमें हो गया। फायर इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम ऑन 18 जून 2019। दो एंट्री इसमें पास होंगी। पहली एंट्री क्या, हमारा गुड्स का नुकसान हुआ है 10,000 रुपये का लॉस्ट बाय फायर, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, एबनॉर्मल लॉस। दूसरा खाता कौन सा होगा, देखिए आपके क्लासिक गुड्स जा रहे हैं, आपका गुड्स का नुकसान हुआ है। अब गुड्स जा रहे हैं तो ये तो सेल्स रिटर्न तो हो नहीं सकती। मैंने बताया था जब गुड्स जाते हैं तो सेल्स नाम देते हैं, बट सेल्स तो ये हुई नहीं है, क्योंकि वो आग लगने का मतलब ये थोड़ी ना कि हमने सेल्स कर दी। तो आपको ऐसे में परचेज अकाउंट को लिखना है। क्यों, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, इसलिए लिखना है परचेज अकाउंट को क्योंकि गुड्स का आना परचेज से रिकॉर्ड होता है। अब गुड्स का जाना भी अगर मैं परचेज से रिकॉर्ड करता हूँ तो इससे परचेज के खाते का बैलेंस कम हो जाएगा, और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मुझे परचेज ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि परचेज का खाता गुड्स की पॉजिटिविटी को दिखाता है। अगर उसी को मैं क्रेडिट कर देता हूँ तो वो घट जाएगा, और हमें यही करना है। जिस तरीके से बैंक में जब पैसा आता है तो बैंक को हम डेबिट करते हैं, और बैंक से जब पैसा जाता है तो बैंक को क्रेडिट करते हैं, उसी तरीके से आपको कुछ इसमें भी करना है। समझ लीजिएगा इसे आराम से। एबनॉर्मल लॉस हमारे लिए क्या है, ये तो सर लॉस है सिंपली। परचेज क्या है, परचेज आपके लिए एक्सपेंस होता है, बट वो एक्सपेंस अब आपका घट चुका है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। लॉस तो हमेशा डेबिट होता है ना। अमाउंट क्या आएगा इसका, 10,000, ये हमारे लिए घट रहा है तो हम इसको करेंगे क्रेडिट, और कितने रुपये से, 10,000। लीजिए अभी एंट्री डन, 10 जून को एंट्री होगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने इंश्योरेंस कंपनी को बताया सब चीज़ों के बारे में, और चेक करने के बाद 18 जून को ये डिसाइड कर दिया कि हम आपका 60% क्लेम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम 60% क्लेम आपका एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हम पहला खाता रिकॉर्ड करेंगे, वो है इंश्योरेंस क्लेम। क्यों लिखा मैंने इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि पैसा भी मिला नहीं है, पैसा मिलेगा। और इंश्योरेंस क्लेम आपके लिए क्या है, एक असेट है। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक आपको श्योरिटी दी है कि हम भविष्य में आपको पैसा देंगे, इसीलिए आपको इंश्योरेंस क्लेम को असेट बोलना है। असेट बढ़ती है तो प्लस, उसको सर हम डेबिट करते हैं हमेशा। बढ़ते हैं अगले खाते की तरफ। अगला खाता कौन सा होगा, जरा पता करते हैं इसके बारे में। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको कह रही है कि मैं आपका 60% क्लेम एक्सेप्ट करती हूँ, आपको यहाँ पर जो लॉस आपने यहाँ पर दिखा रखा है 10,000 रुपये से, उसको 60% ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि जो लॉस मेरा 10,000 रुपये का था, जब इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं 60% क्लेम आपका एक्सेप्ट करती हूँ, तो वो 10,000 रुपये का नहीं रहा। कोई बता सकता है वो कितने का बच गया, आप सोचना ज़रा इस बारे में। एबनॉर्मल लॉस हमारा लॉस तो है, बट वो लॉस अब हमारा कम हो चुका है, तो उसको माइनस कर देंगे क्रेडिट। तो जिस खाते में भी 10,000 रुपये का लॉस दिख रहा था, अब 60% उसमें से कम हो गया। 10,000 का 60% कितना होता है, यहाँ पे हमें 6,000 रुपये लिखना है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस हमारा 6,000 का है, क्योंकि 10,000 का 60% कितना होता है, 6,000 रुपये पे आया। 6,000 रुपये का हमारा लॉस कवर हो चुका है, और इंश्योरेंस क्लेम जो हमें मिलेगा वो 6,000 रुपये का ही तो मिलेगा। तो देखिए, इस एंट्री के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी कि अगर हमारा गुड्स का नुकसान होता है और गुड्स हमारे इंश्योर्ड होते हैं, तो कैसे हम उसकी एंट्री को पास करेंगे। पहली एंट्री जो है वो ये डिफाइन कर रही है साफ साफ कि आपका नुकसान हुआ है 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का माल आपके पास से जा चुका है, ठीक है। और दूसरी एंट्री ये बता रही है कि रुको, इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर दिया है, डोंट वरी, और 6,000 रुपये आपको मिलेंगे, 40% क्लेम आपका अनकवर है। ये एंट्री करने से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा तो कि प्रैक्टिकली अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है गाइस। पढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। चेक ऑफ मैक्स हाइपर प्राइवेट लिमिटेड डिजोनर। अरे वाह, मैक्स हाइपर ने जो हमें चेक दिया था वो डिजोनर हो गया। मैक्स हाइपर ने हमें चेक दिया था, देखते हैं कितनी अमाउंट का चेक था वो। ये था वो चेक 50,000 रुपये का। अगर कोई चेक हमारा डिजोनर हो जाता है, यानी कि डिजोनर का मतलब क्या है कि वो चेक बैंक में अमान्य है, बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी भी रीज़न से, इनसफिशिएंट फंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न है, हो सकता है चेक में कोई टाइपो एरर हो गया हो, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उस इस वाली एंट्री को उल्टा कर देना है।
उल्टा मतलब रिवर्स कर देना है। जो डिजोनर की एंट्री होती है उसमें खाते हमारे रिवर्स हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इस एंट्री के थ्रू आपको क्या लग रहा है कि बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, बैंक साइड पर से अब कुछ नहीं मिलेगा। इस एंट्री को रिवर्स करने से क्या होगा, बैंक का बैलेंस जो हम सोच रहे थे बढ़ेगा अब हमने उसको खुद ही घटा दिया, और मैक साइपर का बैलेंस जो हमने बोला था इससे कुछ नहीं मिलेगा अब उससे 50,000 रुपये मिलने हैं। यानी कि नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए आपको इस एंट्री को रिवर्स करना होगा सिंपली। तो करते हैं इसे रिवर्स। यहाँ पर हमें लिखना है मैक साइपर, वापस से हम इसको डेबिट करेंगे, वापस से हमारा डेटर बन जाएगा, और क्रेडिट में क्या आएगा, BOB। मैक साइपर हमारे लिए था क्या, असेट था सर, वो तो BOB भी सर असेट थी, बट फ़र्क इतना सा है कि अब मैक साइबर वापस बढ़ गया तो डेबिट, और BOB जो हम सोच रहे थे 50,000 रुपये हमारे बैंक में आ गए हैं वो नहीं आए, तो माइनस घटा देंगे हम अपनी उसकी बुक से क्रेडिट। ये हमें पता क्या चलता है, ये हमें बैंक स्टेटमेंट से देख के पता चलता है कि चेक डिजोनर हुआ है नहीं हुआ, इसलिए रिकन्सिलेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है, 50,000 रुपीज़, ठीक है डियर, और यहाँ पर भी 50,000, डन। अगली एंट्री पे चलते हैं। गणपति डिपार्टमेंटल स्टोर ने रिटर्न कर दिया स्टॉक 5,000 रुपये का, एंड वी सोल्ड दैट स्टॉक टू माँ जगदम्बा ट्रेडर्स। देखो कई बार ऐसे होता है बिजनेस में कि कोई स्टॉक हमें रिटर्न मिलता है तो हम उसको किसी और आउटलेट में दे देते हैं। हो सकता है गणपति डिपार्टमेंटल स्टोर और माँ जगदम्बा ट्रेडर्स ऐसी दो पार्टीज भी हो सकती हैं जो एक ही पर्सन की हैं, ठीक है, और उसने बोला कि भैया मैं उस माल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो माल उसे दे दिया, तो अब माँ जगदम्बा ट्रेडर वाले से बात करो, उससे पैसा लो। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। पहली एंट्री जो है, गणपति डिपार्टमेंटल स्टोर रिटर्न स्टॉक ऑफ 5,000, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी अगर वो माल आपको वापस कर रहा है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप लिखोगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न हुई है यहाँ पे। और दूसरा खाता हम क्या लिखेंगे, गणपति डिपार्टमेंटल स्टोर यानी कि GDS, छोटा सा लिख देते हैं GDS। सेल्स रिटर्न मान ले क्या है, देखिए सेल्स रिटर्न हमारे लिए तो आप इसको इनकम तो बोल सकते हो, बट ये इनकम घट रही है इस नाम से, ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस डेबिट करेंगे। उसके बाद GDS, गणपति डिपार्टमेंटल स्टोर में हमें क्या करना है, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है हमारा ये हमें माल वापस दे रहा है, यानी कि हमारा डेटर होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर असेट लिख देते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके खाते को माइनस कर देंगे क्रेडिट। तो ये होगी एंट्री अगर हमें कभी भी सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पर हम अमाउंट भी लिख सकते हैं 5,000। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माँ जगदम्बा ट्रेडर्स के खाते को लिखेंगे, और दूसरा खाता हम क्या लिखेंगे, सेल्स। इस खाते को हम कर देंगे असेट, ये हमारे लिए है इनकम, ये होगा हमारे लिए डेबिट, और ये होगा हमारे लिए क्रेडिट, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दीजिए 5,000 रुपये, सही कर रहा हूँ मैं, 5,000, और ये रहा 5,000, डन। 19 एंट्री ख़त्म, बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। लोन गिवन टू एम्प्लॉय 2,50,000 रुपये बाय बैंक, हमने एम्प्लॉय को लोन दिया 2,50,000 रुपये का। तो यहाँ पर आपको पहले खाता जो लिखना पड़ेगा वो होगा लोन टू एम्प्लॉय, दूसरा खाता हम जो लिखेंगे जनरल एंट्री के लिए वो लिखेंगे BOB। उसके बाद लोन टू एम्प्लॉय में हम क्या लिखेंगे, हम लोन दे रहे हैं एम्प्लॉय को, तो ये हमारे लिए असेट होगी, क्योंकि भविष्य में ये पैसा हमें मिलेगा एम्प्लॉय से, और BOB हमारे लिए क्या है, ये तो सर असेट है ही, अगर हम एम्प्लॉय को लोन दे रहे तो असेट बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। यहाँ पर बैंक से पैसा जा रहा है तो असेट घट रही है, बिल्कुल घट रही है क्रेडिट। फिर हमें यहाँ पर लिखना है 2,50,000 रुपये, 2,50,000, और यहाँ पर कितना लिखना है, 2,50,000 रुपये, डन। लीजिए हो गई एंट्री पास। अगर आप एम्प्लॉय को लोन देते हो तो आपको लोन टू एम्प्लॉय डेबिट करना है और बैंक को क्रेडिट करना है। नेक्स्ट जनरल एंट्री, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एडजस्टेड फ्रॉम लोन। देखो देखो देखो, अभी लोन दिया था, अब सैलरी एडजस्ट कर दी उसकी, एम्प्लॉय की सैलरी एडजस्ट कर दी उसके लोन से, बोला कि भैया हम तेरे को पैसा नहीं देंगे, जो तेरे को हमने लोन दिया ना उसमें से हम तेरी सैलरी कवर करेंगे। कितना लोन दिया था हमने तेरे को, 2,50,000 रुपये का, उसमें से हम तेरी सैलरी रिकवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सैलरी नाम के खर्चे को तो डिफाइन करेंगे, ये तो हमारे लिए एक खाता है, दूसरा खाता हम रिकॉर्ड करेंगे लोन टू एम्प्लॉय, वही खाता जो हमने इस टाइम पे पहली वाली एंट्री में डेबिट किया था, यही था ना वो लोन टू एम्प्लॉय, ठीक है। अब सैलरी मान ले क्या है, सैलरी मान ले खर्चा है सर, क्योंकि अगर हमें खर्चा नहीं देंगे तो हमें एम्प्लॉय से होने वाला बेनिफिट कैसे मिलेगा जो हमारे बिजनेस के लिए वो काम करेगा। लोन टू एम्प्लॉय हमारे लिए क्या है, वो असेट था सर। एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, डेबिट, वो डेबिट होगा, और असेट क्या होगा, जो असेट थी हमारी घट रही है, क्यों, आपने जो उसको लोन दिया था वो लोन का पैसा अब कम हो रहा है क्योंकि आप उसकी सैलरी एडजस्ट कर रहे हो, उसमें से उसने उस लोन को चुकाने के लिए एक तरीके से काम करके दे दिया, तो लोन का पैसा जो असेट थी हमारी 2,50,000 रुपये की, वो असेट घट जाएगी यानी कि क्रेडिट हो जाएगी। कितने रुपये से क्रेडिट होगी, सवाल ये आता है,
20,000 रुपये से, तो आपके लिए वो लोन अब कितने का बचा? 2,30,000 रुपये का। आपको उस एम्प्लॉय से केवल 2,30,000 रुपये मिलेंगे अब, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है एंट्री अगर एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं और हम उसके लोन से एडजस्ट कर रहे हैं उसकी सैलरी को। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट योर सजेशन, क्वेरी और एनी काइंड ऑफ फीडबैक दैट यू वॉन्ट टू गिव मी, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आकाश F1 फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। थैंक यू।